उसके बाद ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास है रिदा जारा की तरफ से आया है क्वेश्चन फ्रॉम सवात कि विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट स्किल्स सिर्फ मोबाइल से क्या आप जो है वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बशर के इन्होंने हमारा एक एड देखा है क्योंकि उसके ऊपर एग्जैक्टली मैंने ये लिखा हुआ है कि हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन विद नो स्किल्स विद नो इन्वेस्टमेंट एंड जस्ट विद अ मोबाइल फोन। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये मोबाइल फोन से सिर्फ और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, क्योंकि देखिए हर तरफ से पैसे लोग मांग रहे हैं ना, कोई कहता है मेरे से कोर्स कर लो कोर्स, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ऑफ कोर्स जो आपको एज ए मेंटर टीच कर रहा है अपने वक्त दे रहा है तो वो आपसे पैसे भी चार्ज करे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है हमारे यहाँ जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको मुफ्त की कोई चीज मिल जाए। तो हमने क्या किया कि हमने हमारी एक क्लाइंट है ग्लूकोनेचर, एक बड़ा एक मशहूर कह रहे हो कि ऑर्गेनिक सप्लीमेंट ब्रांड है, ऑर्गेनिक फूड है बेसिकली इनकी फूड सप्लीमेंट, तो उसको हमने ऑनबोर्ड किया। हमने उनको कहा कि यार पाकिस्तान में इतने सारे नौजवान बेरोजगार बैठे हुए, हर कोई कहता है मुझे को पैसा कमाने का तरीका बताओ, तो हमने उनके तवस्त से एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मैं आपको दिलचस्प बात करूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का जिक्र चल पड़ा है, तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग 2010 से कर रहा हूं, उसकी भी स्टोरी बड़ी शानदार है। देखिए हम तो क्लाइंट्स के लिए करते रहते थे ना, तो क्लाइंट्स हमारे एफिलिएट ऑफर्स भेजते थे ईमेल मार्केटिंग के जरिए। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी शादी हुई और मेरा कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे एंड आई वॉज वेरी अपसेट, और मैं सोच रहा था कि देखिए ये एंटरप्रेन्योरशिप एक रोलर कोस्टर होती है, इसका कभी ऊपर होता है इंसान कभी नीचे होता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस बात को समझते हैं, कभी आपका बहुत अच्छा वक्त होता है कभी वो डाउन चल रहा होता है। तो मैंने इस तरह के बहुत सारे फेजेस अपनी लाइफ में देखे, तो हुआ ये कि नाउ आई वॉज वेरी वरीड। तो मैंने कहा यार ये जो हमारे कस्टमर्स हैं ये हमें हायर करते हैं, हमसे ईमेल मार्केटिंग करवाते हैं, ये करते क्या है, जाहिर है अगर ये हमें इतने हजार डॉलर पे कर रहा है तो ये खुद कितना कमाता होगा, तो ये देखना चाहिए कि यार ये किस तरह से कमाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ईमेल लिस्ट ली और उसको मैंने वही एफिलिएट मार्केटिंग उस जमाने में क्लिक बैंक के जरिए होती थी। आप यकीन करें मुबशर, जिस वक्त मैंने सुबह मैं रात को मेल लगा के चला गया, सुबह मैं उठ के देखता हूँ तो मेरे अकाउंट में $150 पड़े हुए। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा यार इतना आसान है, मतलब ये ईमेल भेजो और आपको $150। दूसरे दिन देखा $250, और मैं तो उसके पीछे ही पड़ गया। मैंने फिर उसको स्केल किया अप टू $1,000 पर डे के ऊपर मैं उसको लेके। तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो एफिलिएट मार्केटिंग पाकिस्तान में बैन हो गई, आपको पता है पाकिस्तान में क्लिक बैंक भी बैन हो जाता है, पेपैल भी बैन हो जाता है, कुछ ऐसे के बाद हर चीज जो है उनको पाकिस्तान के अंदर, तो वो उस तरह का वो स्कोप नहीं रहा। लेकिन एक कहने का मकसद यह है कि इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, ठीक है, इसमें होता यह है कि एक बायर है और एक सेलर है, जिसमें प्रॉपर्टी की डील करवाता है ना, आप दरमियान में बैठ के डील करवाते हैं, उस डील के आपको कमीशन मिलती है, वो कमीशन जो है ना वो आपका मतलब ऑनलाइन प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। यानी कोई भी आप देखें इसका कॉन्सेप्ट, आप छोटी प्रोडक्ट से ले जैसे ग्लूकोनेचुरल है, उसमें आपको ₹500 कमीशन मिलता है पर सेल के ऊपर, और अगर आप मतलब फिर हर महीने अगर वो उसको यूज करते हैं तो ₹200 कमीशन मिलता है। लेकिन अगर इसको इसी कॉन्सेप्ट को आप लेके जाएं, एक एक प्रोडक्ट है जो कि $1,00,000 की बिक्री है और उसके ऊपर उन्होंने 10% कमीशन अमेज़न के ऊपर रखा हुआ है, तो $10,000 का आपको कमीशन बैठे बैठे, आपकी एक डील भी हो जाए तो आप कितना कमीशन कमा लोगे, राइट? तो थोड़ी सी आपने मार्केटिंग सीखनी है, थोड़ा सा आपने कन्विंसिंग पावर, थोड़ी सी आपने नेटवर्किंग कैसे करनी है, लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है, उनको कन्विंस कैसे करना है, जैसे प्रॉपर्टी वालों की देखे ना, प्रॉपर्टी वालों में कितनी स्किल होती है, वैसे थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत करनी है थोड़ी सी, ये देखें जी आपको ना पैसा लगाना है ना आपने स्किल करनी है, सिर्फ अपना टाइम देना और अपनी जान लगानी। सही बात। अब अगर वो भी आपने लगाना चाहते तो फिर वो मूसा, हजरत मूसा के दौर में ही मन्नो सलवा उतरा था, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला ने किसी और कौम को वो एजाज दिया है। तो ना हम अल्लाह ताला के इतने प्यारे हैं कि अल्लाह ताला जो हमारे लिए को मन्नो सलवा आसमान से उतारेगा। सही बात। तो वो एक शेर भी है ना, अड़ बैठे क्या नहीं, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई, हो देखना तो दीद आए दिल वाह करे कोई। वाह।
अड़ बैठे क्या समझ के कोहे तूर पर कलीम ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। ठीक है ना, कलीम यानी कि माजद मूसा की बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ये मेहनत हमने करनी है, हम ये जो है ये आलम असबाब में है इस वक्त, यहाँ पे आलम अरवा नहीं है कि यहाँ पे आपको आपने आपने हर चीज के ऊपर, अगर आपने एक ब्लॉग बनाना है तो उसको मेहनत करनी है उसके ऊपर, अगर अगर चैनल करना है तो उसके ऊपर मेहनत करनी है। तो ये जितने भी लोग हैं, आपको शायद नजर आता हो कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, हिशाम सरवर साहब जो हैं वो ये जो होस्टिंगर है, होस्टिंगर को प्रमोट करते हैं, वो एज एफिलिएट करते हैं। अभी मैं पिछले दिन देख रहा था, वो एक और कोई टूल है उसको प्रमोट कर रहे थे। तो वो जो उनकी जो ऑडियंस है, वो जो उन्होंने सालों में बनाई है, वो उसको बेसिकली कैश कर रहे हैं। तो वो फ्री ऑडियंस, उनको सिखाते भी वो फ्री हैं, लेकिन वो उसको कैश कर रहे हैं। तो आपका कोई चैनल होना चाहिए, कोई फेसबुक पेज होना चाहिए, कोई ग्रुप होना चाहिए, कोई ईमेल लिस्ट होनी चाहिए, कोई ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास, कोई ऐसे बंदे होने चाहिए 100, 200, 500 जिनसे आप फिजिकली मिलके आप उनको इन्फ्लुएंस कर सके। तो ऐसे केस में भी आप जो है वो इस एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो बाकी इसमें ना तो पैसे लगते हैं, ना कोई